तेस्लोनिकियों के नाम पोलूस रसूल का दूसरा खत पहला बाब पोलूस और सेलवानोस और तिमोथीस की तरफ से थेस्लोनिकियों की कलेसिया के नाम जो हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह में है फजल और इत्मीनान खुदा बाप और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे मसीह की आमद पर लोगों का इंसाफ ऐ भाइयों तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबकी मोहब्बत यहाँ में तुम पर करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो उन सब में तुम्हारा सबर और ईमान जाहिर होता है ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो जिसके लिए तुम दुप भी उठाते हो, क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदले में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे जब यीशु अपनी कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा वो खुदावन के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अपनी हलाकत की सजा पाएंगे ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकदसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताजुब का बायस होने के लिए आएगा क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ भी करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे ताकि हमारे खुदा और यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे यीशु का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें दूसरा बाब हलाकत का फर्जंद आए भाइयों हम अपने यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो यह समझ करके खुदावन का दिन ना पहुंचा है तुम्हारी अकल दफ़ातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ किसी तरह से किसी की फरेब में ना आना क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स

उसको तुम जानते हो क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक के वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावन यस्सू अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया जिससे उनकी नजात होती इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाए नजात के लिए चुनाव। लेकिन तुम्हारे बारे में आए भाइयों खुदावन के प्यारो हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदाही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीजा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीले से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावन यस्ु मसीह का जलाल हासिल करो बस ए भाइयों साबित कदम रहो और जिन रिवायतों की तुमने हमारी जुबानी या खत के जरिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो अब हमारा खुदावन मसीह खुद और हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अपदी तसली और अच्छी उम्मीद बख्शी तुम्हारे दिलों को तसली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे तीसरा बाब हमारे लिए दुआ करें ए हो हमारे हक हाँ में दुआ करो कि खुदावन का कलाम ऐसा जल्द फैल जाए और जलाल पाए जैसा तुम में, और कजरों और बुरे आदमियों से हम बचे रहें, क्योंकि सब में ईमान नहीं मगर खुदावन सच्चा है वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा और खुदावन में हमें तुम पर भरोसा है कि जो हुक्म हम तुम्हें देते हैं उस पर अमल करते हो और करते भी रहोगे खुदावन तुम्हारे दिलों को खुदा की मोहब्बत और मसीह के सबर की तरफ हिदायत करे मेहनत मुशक्कत की जिम्मेदारी भाइयों, हम अपने खुदावन यीशु मसी के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारी मानद किस तरह बनना चाहिए इसलिए कि हम तुम में बेकायदा न चलते थे और किसी की रोटी मुफ्त न खाते थे बल्कि मेहनत मुशक्कत से रात दिन काम करते थे ताकि तुम में से किसी पर बोझ न डाले इसलिए नहीं कि हमको इख्तियार न था बल्कि इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराएं ताकि तुम हमारी मानिंद बनो और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिससे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए हम सुनते हैं कि तुम में बाज बेकायदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। ऐसे शख्सों को हम खुदा यीशु मसीह में हुक्म देते और नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं और तुम अ भाइयों नेक काम करने में हिम्मत ना हारो तस्लीमान और अगर कोई हमारे इस खत की बात को न माने तो उसे निगाह में रखो और उससे सोहबत न रखो ताकि वो शर्मिंदा हो लेकिन उसे दुश्मन न जानो बल्कि भारी समझ कर नसीहत करो अब खुदावंद जो इतमान का चश्मा है आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इतमान बख्शे खुदावंद तुम सबके साथ रहे मैं पोलूस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ हर खत में मेरा यही निशान है मैं इसी तरह लिखता हूँ हमारे खुदा मंदिर सुमसी का फजल तुम सब पर होता रहे